फेमस टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अभीरा और अरमान के बीच रोहित के गायब हो जाने वाले ट्रैक से अलग ज़रा नज़दीकियां बढ़ती जाएंगी और वहां दूसरी तरफ रोहित को ये बढ़ती नज़दीकियां कतई रास नहीं आएंगी, रूही को ये बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं आएंगी। वेल सीरियल की कहानी में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। फिलहाल अगर आप हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिमन्यु बिरला यानी एक्टर हर्षद चोपड़ा के फैंस, तो हमारी ये खबर आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर जाएगी। जी हाँ, हर्षद चोपड़ा जिनका ट्रैक ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अचानक से ख़त्म कर दिया गया, हर्षद चोपड़ा जिन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ना पड़ा, अब एज पर द सोर्सेस ये हर्षद चोपड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक छोटे से कैमियो के लिए नजर आ सकते हैं और इस कैमियो से हटकर हर्षद चोपड़ा बहुत जल्द एक फेमस टीवी सीरियल से अपना कमबैक भी करने जा रहे हैं। यानी अभिमन्यु बिरला का चेहरा अगर अभी से आप करने लगे हैं याद तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये अभिमन्यु बिरला आपको आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी नजर आएंगे और अभिमन्यु बिरला आपको दिखाई पड़ेंगे सीधे सीधे एक नए शो में। हर्षद चोपड़ा के कैरेक्टर और इस नए शो को लेकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उनका नया शो टीवी इंडस्ट्री में एंट्री करने वाला है।